Jain friends, in this video we will discuss another important topic for DBT as well as GATE exam, and the topic is Hardy-Weinberg equilibrium. ये important topic है, इससे काफी question पूछे गए हैं previous exam में, and इसके numerical भी हम solve करेंगे इस video में. तो चलिए discuss करते हैं. First we will discuss what is Hardy-Weinberg law, and after that we will solve numerical based on it. Okay? So Hardy-Weinberg law independently discovered किया था Hardy and Weinberg ने. Okay? इसके अलावा भी कुछ scientists ने जिन्होंने इसको find out किया था, but recognition Hardy and Weinberg को मिला. Then ये law actually करता क्या है? ये जो लॉ है ये हेल्प करता है हमें जीनोटिपिक और एलिलिक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने में किसी एक पॉपुलेशन के अंदर. ओके, अब ये पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन भी हो सकती है या फिर कोई अदर एनिमल स्पीसीज की पॉपुलेशन भी हो सकती है. ठीक है, उस पॉपुलेशन के अंदर उस जीनोटाइप की या उस किसी एक पर्टिकुलर अलील की क्या फ्रीक्वेंसी है उसको फाइंड आउट करने में ये हेल्प करता है. ओके, नाउ तो इसको समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, और इसके लिए हम यूज करते हैं लेट्स से एबीओ ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं. ओके, क्योंकि आप लोग इससे काफी फैमिलियर होंगे एबीओ ब्लड ग्रुप से. सो एबीओ ब्लड ग्रुप में आपको बताया कि अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो इसके पॉसिबल फिनोटाइप होते हैं ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप एंड एबी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप. तो ये पॉसिबल फिनोटाइप्स होते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप के. बट अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप में ए का जो जीनोटाइप्स है वो हो सकता है आई ए एंड आई ए, और इसके अलावा एक और भी जीनोटाइप इसका हो सकता है पॉसिबल आई ए एंड आई ओ, क्योंकि ए जो है वो डोमिनेंट एलील है, तो वो ये जो आपका आई ओ अलील है उसके एक्सप्रेशन को डोमिनेट करता है. देन बी की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आई बी एंड आई बी, एंड सिमिलरली क्योंकि बी भी यहाँ पर डोमिनेंट है तो ये हो जाएगा आई बी एंड आई ओ. और आपको पता है कि ए आई ए और आई बी जो ये जो दो अलील है ये को डोमिनेंट है. ठीक है, यानी कि ये दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं अगर ये अलील प्रेजेंट होते हैं आपके किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर. अब क्योंकि को डोमिनेंट अलील है तो इन दोनों का एक्सप्रेशन हमें मिलता है, इसलिए यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप भी आपका प्रेजेंट होता है. ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन में क्योंकि दोनों को डोमिनेंट है तो दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं. ओके, इसके बाद इसका कोई सेकंड जीनोटाइप पॉसिबल नहीं है. एंड ओ की बात करें तो यहाँ पर ये रेसेसिव है, तो जब ये रेसेसिव होगा तभी ये एक्सप्रेस होगा, दैट मींस आईओ एंड आईयू. आई होप इट इज क्लियर. नाउ अब ये जो जीनोटाइप अभी हमने डिस्कस किए हैं इनकी जो फ्रिक्वेंसी है इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं Hardy-Weinberg प्रिंसिपल से. अगर हमें पता हो कि इनके ये जो अलील्स हैं, अलील यानी कि आई ए आई बी एंड आई ओ, ये जो अलील्स है अगर इनकी फ्रिक्वेंसी हमें पता है किसी पॉपुलेशन के अंदर, तो हम इनके जीनोटाइप की फ्रिक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट से कि एक पॉपुलेशन है हमारे पास, और इस पॉपुलेशन में लेट से कि आपके 500 इंडिविजुअल्स हैं. ठीक है, 500 इंडिविजुअल है और ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक ही क्रोमोसोम के पेयर होते हैं. ठीक है, दो कॉपी होती हैं, सो दैट मींस दो अलील प्रेजेंट होंगे एक ऑर्गेनिज्म में, तो टोटल अलील्स कितने हो गए, 1000 हो गए. और लेट से कि 1000 अलील में से हमने फाइंड आउट किया कि 700 अलील जो है ये किसके हैं, ये आपके आई ए के हैं. 1000 में से जो 700 अलील्स हैं वो आई ए के हैं. ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 700 बाय 1000 विल बी इक्वल टू 0.7. तो 0.7 ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, या फिर आप कह सकते हैं कि फ्रैक्शन है आई ए अलील का इस टोटल पॉपुलेशन में. तो बाकी का जो 300 बच गया है तो उसमें हम कंसिडर करते हैं बाकी के जो 300 अलील्स हैं उसमें से 200 अलील आउट ऑफ 1000 जो टोटल है वो आपके आई बी के हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 0.2. और लास्ट में हम कंसिडर करते हैं कि जो बाकी के 100 बच गए हैं वो आपके रिप्रेजेंट करेंगे आई ओ अलील को, और लेट से इसकी फ्रीक्वेंसी 0.1 हो जाएगी इसकी फिर. ठीक है, तो ये हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली है इन सब इंडिविजुअल अलील्स की, और कैसे किया ये भी मैंने आपको बताया. तो 0.7 है, ये आपका 0.2 और ये आपका 0.1, ये हमने फाइंड आउट किया. क्लियर कि हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन थी 500 में जो टोटल अलील्स का नंबर है दैट इज 1000, क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हर एक जीन की दो कॉपी प्रेजेंट होती है. ठीक है, और उसमें से हमने फाइंड आउट कर लिया कि 700 अलील्स जो है वो आई ए के थे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 0.7. तो ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये है अलीलिक फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये है आपकी अलीलिक फ्रीक्वेंसी. अब अगर हमें अलीलिक फ्रीक्वेंसी पता है तो हम जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमें जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी पता है तो हम अलीलिक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं. अभी हमें जो एग्जांपल हम ले रहे हैं वहां पर हम कंसीडर करेंगे हमें अलीलिक फ्रीक्वेंसी पता है, अब हम जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, जीनोटिपिक मतलब इन सब इंडिविजुअल जीनोटाइप्स की फ्रीक्वेंसी क्या क्या पॉसिबल है ये अब हम फाइंड आउट करेंगे. हमेशा याद रखिए जो सम होगा टोटल इन सभी फ्रीक्वेंसीज का, जैसे एलीलिक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इन सब का टोटल बनाना चाहिए, और अगर हम जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो उनका टोटल भी बनाना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शंस है कि उस पॉपुलेशन में इनका कितना फ्रैक्शन है. तो 0.7 का मतलब है कि 70% जो अलील है वो आई ए है उस पॉपुलेशन में, 0.2 का मतलब है कि 20% जो अलील है वो आई बी है, 0.1 का मतलब है कि 10% जो अलील है वो आई ओ के है पॉपुलेशन के अंदर. ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है तो 100 से डिवाइड. क्लियर, इसी तरीके से अब हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज क्या है, तो इन सब फ्रीक्वेंसी जो अभी हम फाइंड आउट करेंगे उन सबका सम टोटल भी बनाएगा. ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन टोटल 1 में से फाइंड आउट किया जाता है और परसेंटेज 100 में से फाइंड आउट की जाती है. ठीक है, नाउ तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अलील्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 1, 2 एंड 3, तो टोटल 3 अलील्स हैं. तो उस केस में जो Hardy-Weinberg का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे दैट विल बी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर.
ये फॉर्मूले आपने टेंथ में पढ़े होंगे, ठीक है। उसमें आपने ये वाला फॉर्मूला हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके, सो इस फॉर्मूले को अगर हम ओपन करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तब है जब हम थ्री अलील्स हैं, और इसको हम तब यूज करेंगे जब टू अलील्स होंगे, और अगर उससे ज्यादा अलील है तो ये जो ए बी सी डी है वो नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी एंड प्लस टू सी ए, या ए सी लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसका ऊपर होके आ गया। नाउ इस फॉर्मूले में ये जो ए स्क्वायर है, क्योंकि अगर हम ये जो आई ए की जो फ्रैक्शन है या फ्रीक्वेंसी है, अगर उसको हम ए से रिप्रेजेंट करें, आई बी का जो फ्रैक्शन है उसको हम बी से रिप्रेजेंट करें, और आई ए के फ्रैक्शन को अगर हम सी से रिप्रेजेंट करें, तो ए स्क्वायर जो है वो किसके जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करेगा, वो ये जो आई ए है, ठीक है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब आई ए इंटू आई ए। तो ये जो हम फाइंड आउट करेंगे ये इसके जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर रहे हैं ए स्क्वायर से। तो ए ए की वैल्यू है 0.7, और 0.7 का स्क्वायर जो भी आएगा दैट विल बी द जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस जीनोटाइप। ओके, तो 7 × 7 = 49, तो दैट विल बी 0.49। ओके, सो दिस विल बी द जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ आई ए, आई ए जीनोटाइप। सिमिलरली बी के लिए जो बी स्क्वायर है वो एक्चुअली वो आई बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 4 आई बी, और स्क्वायर है तो आई बी इंटू आई बी, क्लियर। तो ये इसके जीनोटाइप को फाइंड आउट कर रहा है, यानी कि बी ब्लड ग्रुप के लिए है, और आई बी जो है इसका जो फ्रैक्शन है 0.2 है, तो दो एलील्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो 0.2 विल बी 0.04। ओके, सो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी फॉर दिस जीनोटाइप। सी सिमिलरली सी स्क्वायर जो है आईओ, आईओ ब्लड ग्रुप यानी कि ओ ब्लड ग्रुप को लिए है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 0.1 के स्क्वायर के इक्वल आएगी, क्योंकि यहां पर हम क्या करें सी स्क्वायर, और सी की स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है आईओ को, तो 0.1 का स्क्वायर दैट विल बी 0.01। सिमिलरली 2AB, अब देखिए 2AB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A तो रिप्रेजेंट करता है IA को, और B रिप्रेजेंट करता है IB को, तो दैट मींस ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी IA into IB, यानी कि AB ब्लड ग्रुप की जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट फॉर्मूला यही यूज कीजिएगा। तो ये फॉर्मूला क्या है, 2 into A, A की A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0.7, और B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0.2, तो दैट विल बी इक्वल टू 7 × 14 एंड 14 × 28, तो दैट विल बी 0.28। ओके, ये इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने फाइंड आउट करी। देन ये बी एंड सी, बी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका आई बी को, और सी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका आई ओ को, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अगेन, यानी कि बी ब्लड ग्रुप की है, बट फॉर्मूला इसका क्या है, 2 × 2 × देन 0.2 × 0.1, सो दैट विल बी 0.02 एंड 0.04, ये आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। देन द नेक्स्ट वी हैव 2AC, तो 2AC किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए रिप्रेजेंट करता आई ए एंड सी रिप्रेजेंट करा आई ओ को, इसका फॉर्मूला है 2 × 0.7 × 0.1, तो दैट विल बी 0.07 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 0.14। ओके, अगर हम इन सबका सम टोटल करें, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, इन सबका सम टोटल 1 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो फ्रीक्वेंसी या फिर जो परसेंटेज, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो आपका 1 आना चाहिए, परसेंटेज में अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपका 100 के इक्वल आना चाहिए। तो 0.49 प्लस 0.04 प्लस 0.01 प्लस 0.28 प्लस 0.04 प्लस 0.14 इज इक्वल टू 1। तो अभी मैंने इन सबका सम किया, और इन सबका सम जो है 1 के इक्वल आ रहा है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, इनका सम टोटल हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसीज है, फ्रैक्शनल फ्रीक्वेंसी है। ओके, फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करें, फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल आता है। अब देखिए सिंपली इसका मतलब ये है कि 49%, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई 100, 49% जो है वो क्या है आपका आई ए, आई ए जीनोटाइप है एक पॉपुलेशन के अंदर, यानी कि ए ब्लड ग्रुप। देन 0.04 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4% जो है वो बी ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं, 1% जो है वो आपके ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं, और 0.28 यानी कि 28% जो है वो ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं, एंड आई बी एंड आई ओ ये आपके कितने अगेन 4% बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि बी ब्लड ग्रुप के दो जीनोटाइप हैं, ठीक है। तो अगर हमें टोटल फाइंड आउट करना है कि बी ब्लड ग्रुप वाले लोग कितने हैं, तो 4% ये हो जाएगा, 4% ये हो जाएगा, तो दैट विल बी 4 + 4 = 8%, टोटल 8%। सिमिलरली ये आपका ए पर ये आ जाएगा 14%, तो अगर हमें टोटल ए ब्लड ग्रुप वाले लोग फाइंड आउट करने हैं तो 49 + 14 हमें करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही ए ब्लड ग्रुप के लिए हैं, क्लियर। तो आपने देखा कि किस तरीके से अगर आपके पास 3 अलील्स हैं किसी एक जीन के, तो उससे आप उनकी जो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको एलीलिक फ्रीक्वेंसी पता हो। सिमिलरली इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि अगर हमें जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी पता है तो हम एलीलिक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो आपने देखा है, तो जहां पर ये हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2AC इक्वल्स टू 1, ये है आपका हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम की इक्वेशन, ठीक है, और इसका सम टोटल 1 के इक्वल आना चाहिए। सिमिलरली ये जो है, अगर दो अलील्स हैं तो उनका सम टोटल भी 1 ही आना चाहिए, क्योंकि हम फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं, फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे तो 1 के इक्वल आना चाहिए, परसेंटेज यूज कर रहे हैं तो 100 के इक्वल आना चाहिए। आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है इसका। नाउ
तो हार्डी विनबर्ग लॉ अभी हमने देखा कि किसी एक पॉपुलेशन में किसी एक अलील की फ्रीक्वेंसी या जीरोटोपिक फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं, बट विद सर्टेन अजम्पशन, कुछ रिस्ट्रिक्शन है इस लॉ के, तभी इस लॉ को यूज किया जा सकता है। तो अब हम उस रिस्ट्रिक्शन या फिर वो जो अजम्पशन है उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट अजम्पशन ये है कि पॉपुलेशन का साइज लार्ज होना चाहिए, ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, स्मॉल पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो लार्ज, जितनी ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन होगी उतना ही ज्यादा एक्यूरेट, यानी कि जो आप हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से जो फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, वो एक्चुअल वैल्यू के उतने ज्यादा क्लोज होंगी अगर पॉपुलेशन का साइज काफी लार्ज है। द नेक्स्ट है, पॉपुलेशन इज रैंडमली मीटिंग, सेलेक्टिव मीटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर सेलेक्टिव मीटिंग है तो ये हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉलो नहीं हो पाएगा, ये रैंडम होनी चाहिए, ठीक है, जो कि नॉर्मली जो है हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन में होती है। नेक्स्ट इज नो म्यूटेशन, कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए म्यूटेशन से भी क्या है कि जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो अल्टर हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, इफेक्ट होंगी, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो आपका जो जीन पूल है वो स्टेबल हो, ठीक है, वो अफेक्ट ना हो, अगर वो अफेक्ट होगा तो हार्डी विनबर्ग लॉ वहां पर एप्लीकेबल नहीं है, तो म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। माइग्रेशन होगा तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी फिर से चेंज हो जाएगी, क्योंकि माइग्रेशन होगा तो कुछ लोग आपके बाहर चले जाएंगे, जिससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर जो एलील की फ्रीक्वेंसी वाले लोग हैं वो हो सकता है कि बाहर चले जाए, ठीक है। सो उसे एलील जो है वो एलील फ्रीक्वेंसी वो अफेक्ट हो सकती है, और हम चाहते हैं कि जीन पूल स्टेबल रहे, ठीक है, वो अफेक्ट ना हो। देन आपका लास्ट है नो नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, आपने नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा होगा, अगर ये होता है तो इससे भी क्या है जो ये जो आपका जीन पूल है वो अफेक्ट हो सकता है, या एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो अफेक्ट हो सकती है, और हम नहीं चाहते एलीलिक फ्रीक्वेंसी अफेक्ट हो, ठीक है। तो ये कुछ अजम्पशन है, जब ये अजम्पशन आपकी किसी जगह पर फिट हो रही होंगी, वैलिड होगी किसी एक एक्सपेरिमेंट या फिर किसी एक पॉपुलेशन के लिए, तो उस केस में आप हार्डी विनबर्ग लॉ को यूज कर सकते हैं, ओके। तो ये आपको क्लियर है, और ह्यूमन पॉपुलेशन में हार्डी विनबर्ग का इक्विलिब्रियम काफी यूज किया जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन लार्ज होती है, रैंडम मीटिंग होती है, म्यूटेशन वगैरह आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए कुछ और भी फॉर्मुलेज हैं, ठीक है, माइग्रेशन ना हो, नेचुरल सिलेक्शन ना हो, ये भी हमें देखना होगा, ठीक है। देन तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हार्डी विनबर्ग लॉ एक्चुअली फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इफेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन पर, कि रिप्रोडक्शन का क्या इफेक्ट है एलीलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो अजम्पशन में हमने हटा दी हैं कि कोई म्यूटेशन नहीं, कोई माइग्रेशन नहीं, कोई नेचुरल सिलेक्शन ना हो, ठीक है। तो सिर्फ किसका इफेक्ट यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, रिप्रोडक्शन का एंड मेंडेलियन इनहेरिटेंस का, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो इफेक्ट है वो यहाँ पर हम डिस्कस उसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कि उसका क्या इफेक्ट है एलीलिक और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी पर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। द नेक्स्ट इज कि इससे हमें क्या क्या प्रेडिक्शन है इसमें, तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन डू नॉट चेंज, चेंज नहीं होनी चाहिए एलीलिक फ्रीक्वेंसी, और इसके साथ साथ जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है दैट स्टेबलाइज आफ्टर वन जनरेशन, ठीक है, वन जनरेशन के बाद जो आपकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है वो स्टेबलाइज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग जो आपकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है वो हमें नहीं पता, वो कुछ भी हो सकती है रैंडमली, ठीक है, जो भी वो हमें प्रोवाइड करें, बट एक बार जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी अगर जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी वो स्टेबलाइज हो जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग लॉ, और उसके बाद वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। सो इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि अभी जो करंटली पॉपुलेशन है उसमें जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी आपको प्रोवाइड की होगी, और आपसे पूछा जाएगा कि नेक्स्ट जनरेशन में जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी इनकी क्या होगी, तो वहां पर भी हम हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम ये जो लॉ है इसको यूज करते हैं, ओके। तो वहां पर हम उसको बोलेंगे हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम अटेन, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम अटेन जब हो जाएगा उसके बाद जो है जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। आई होप इट इज क्लियर। और वो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी क्या होंगी, तो वो अभी हमने डिस्कस किया है कि पी स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा ए ए को, ठीक है, टू पी क्यू रिप्रेजेंट करेगा आपके कैपिटल ए स्मॉल ए, और क्यू ए रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल ए स्मॉल ए। दैट मीन्स कि अगर हम बात करें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इक्वल्स टू वन, तो पी स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट को, क्या ये होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट में दोनों आपको पता है एलील सेम होते हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए, ठीक है। क्यू स्क्वायर उसके इसमें रिप्रेजेंट करेगा होमोजाइगस रेसेसिव को, होमोजाइगस रेसेसिव, दैट मींस एक आपका डोमिनेंट होगा और सॉरी दोनों आपके रेसेसिव स्मॉल ए स्मॉल ए, ठीक है, क्योंकि स्मॉल जो लेटर वो हम यूज करते हैं रेसेसिव ट्रेट को शो करने के लिए, ठीक है। सो होमोजाइगस रेसेसिव, एंड ये जो टू पी क्यू है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ओके। सो हेट्रोजाइगस जो पॉपुलेशन है इसमें एक आपका कैपिटल होता है एक आपका स्मॉल होता है, तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट के केस में आपका एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए ये आपको मिलेगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अगर आपकी कोई भी दो अलील वाली कोई जीन है, ठीक है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इक्वल्स टू वन, ठीक है, जिसमें पी स्क्वायर डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट, क्यू स्क्वायर होमोजाइगस रेसेसिव की जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी होगी, और टू पी क्यू जो है वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की होगी, ठीक है। और जो थ्री अलील्स वाला कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपको क्लियर अभी किया एक एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है हार्डी विनबर्ग लॉ का, और ये आपका हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इक्वेशन।
Now we will solve question based on Hardy-Weinberg's law. First question is which of the following would cause deviation from Hardy-Weinberg equilibrium? तो इसमें देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है. फर्स्ट है स्मॉल पॉपुलेशन साइज, तो यही करेगी क्योंकि हमने डिस्कस किया assumption क्या है कि आपकी लार्ज होना चाहिए पॉपुलेशन साइज. ये कह रहा है स्मॉल पॉपुलेशन साइज है तो डेविएशन आ जाएगा. ठीक है. सेकंड पॉइंट रैंडम मेटिंग है, तो रैंडम मेटिंग तो होनी चाहिए Hardy-Weinberg equilibrium में. लैक ऑफ सिलेक्शन प्रेशर, सिलेक्शन नहीं होना चाहिए Hardy-Weinberg equilibrium में, और म्यूटेशन भी नहीं होना चाहिए. The next question is from Gate 2021. Which of the following condition will contribute to stability of gene pool? Stability of gene pool की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो that means कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि allelic frequency change ना हो. ठीक है, तो gene pool maintain रहे, जो है वो ही रहे. ठीक है, तो gene pool maintain रहने का मतलब allelic frequency नहीं change होगी. और यही क्या है, Hardy-Weinberg equilibrium जो है, यह law है, उसके assumption भी यही है. ठीक है, तो उसी के ऊपर based एक question है. तो इसमें first है large population होना चाहिए according to Hardy-Weinberg equilibrium. नो नेट म्यूटेशन नहीं होना चाहिए कोई भी म्यूटेशन. ठीक है, ये भी Hardy-Weinberg equilibrium के assumption है. नॉन रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, ये नहीं है. Hardy-Weinberg equilibrium कहता है कि अगर जीन पूल को स्टेबल रखना है तो उसके लिए यहाँ पर रैंडम मेटिंग होनी चाहिए. नो सिलेक्शन, कोई सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका करेक्ट है. ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो दैट मीन्स पी क्यू एस आर द करेक्ट ऑप्शन. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. The next question is again from Gate. In a random mating population, Y and small y are dominant and recessive alleles respectively. If the frequency of capital Y allele in both sperm and egg is 0.7, then the frequency of YY heterozygotes is dash, rounded off to 2 decimal place. तो सेम क्वेश्चन अभी जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा 3 alleles के लिए, तो वहां पर हमने देखा था कि allele frequency हमें given थी और उससे हमने genotypic frequency find out की थी. तो सेम इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैपिटल वाई की जो फ्रीक्वेंसी दट इज 0.7, स्पर्म और एग में दोनों में सेम है, दैट मीन्स आपको इसको सेम भी लेना 0.7. देन फ्रीक्वेंसी, अब हमें स्मॉल वाई की भी फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए अलील की. ठीक है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पता होगी तो हम इस फॉर्मुले को यूज नहीं कर पाएंगे. फॉर्मुला क्या था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq एंड इक्वल्स टू 1. ठीक है, और अगर आपको ये फॉर्मुला याद नहीं रहता तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसमें ये आपका ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा. बट जो नॉर्मली जो सिंबल हम यूज करते हैं बुक्स में, जो ज्यादातर आप देखेंगे, वो इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए फॉर्मुला ये हम इस तरीके से राइट करते हैं. ठीक है, तो ये एक कन्वेंशन बन गया है. तो ये आपका 0.7 है. स्मॉल वाई की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जो सम टोटल होता है फ्रैक्शन का वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है. तो ये फ्रैक्शनल फ्रीक्वेंसी जो है इसका भी जो सम टोटल है वो क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा. तो अगर इसकी 0.7 है और इनका सम टोटल 1 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 माइनस 0.7, सो दैट विल बी 0.3. आई होप इट इज क्लियर कि सम टोटल 1 होना चाहिए. तो पी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.7, क्यू की वैल्यू आ गई है 0.3. आई होप इट इज क्लियर. आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो आप अपने आप से भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब मतलब आप इसकी जगह पी क्यू की जगह पर कोई भी आप सिंबल यूज कर सकते हैं, कोई भी लेटर आप यूज कर सकते हैं. ओके, सो पी स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट को, किसको, होमोजाइगस डोमिनेंट को. ये मैंने अभी आपको बताया, होमोजाइगस डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है. बट हमें किसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी, हेट्रोजाइगोट्स की. और हेट्रोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था ये होती है हेट्रोजाइगोट के लिए फ्रीक्वेंसी. ठीक है, दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई इंटू स्मॉल वाई की जो फ्रीक्वेंसी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, बट याद रखिए साथ में मल्टीप्लाई बाय 2 है. तो इसको हम फॉर्मुले का यूज करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 0.7 जो कि वाई की एलील की फ्रीक्वेंसी है, इंटू स्मॉल वाई की कितनी है 0.3. प्रैक्टिस जरूर करें, अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी न्यूमेरिकल एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इन्हीं को दोबारा से जो है आप प्रैक्टिस कीजिए. और इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.nsonlineedu.com, वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा, उसमें क्विज है, क्विज आप सॉल्व कर सकते हैं, वो इन क्वेश्चन के क्विज आपको मिल जाएंगे. सो 7321, तो 0.21 इंटू 2, दैट विल बी 2 to the 4, 0.42. सो दैट मीन्स यहाँ से आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 0.42, ये आपका फ्रैक्शन आ गया किसका, हेट्रोजाइगोट्स का. ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस. तो ये जो आंसर है ये भी क्या है, 2 डेसिमल प्लेस तक है, दैट मीन्स आंसर इज 0.42. क्लियर, परसेंटेज पूछते तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देते, तो यहाँ पर आंसर आ जाता 42%. आई होप इट इज क्लियर. सिमिलरली अगर हमसे पूछा था कि होमोजाइगस रेसेसिव के लिए बताओ, दैट मीन्स वाई और वाई के लिए बताओ. ठीक है, तो उस केस में हम 0.3 और 0.3 की मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर कर देते, क्योंकि क्यू स्क्वायर फॉर्मूला, तो ये आ जाता 0.09, दैट मीन्स 9%. ये क्या है, 9% क्या है आपके रेसेसिव है. और अगर हमसे डोमिनेंट के लिए पूछते तो डोमिनेंट के लिए क्या हो जाता है, 0.7 का स्क्वायर, दैट विल बी 0.49. और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये हो जाता 49%. और देखिए अगर आप इन सबको ऐड करें, 49 + 9 + 42, ये 100 आना चाहिए. और अगर आप ये फ्रैक्शन को ऐड करें 0.42, 0.09, 0.49, तो 1 आना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन का सम टोटल 1 होता है. Then the next question is the frequency of 2 alleles in a population is 0.19 for capital B and 0.81 for B. EDBT 2019 का question है. If the population is Hardy-Weinberg equilibrium, what is the percent of heterozygous individual? तो same question अभी हमने attempt किया, तो इस video को यहीं पे pause करके खुद से पहले इस question को try करें, उसके बाद देखें कि इसका solution और answer match हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, so पहले खुद से try करें.
जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। तो चलिए इसको कर लेते हैं, बहुत इजी है। तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी पहले की मैंने इसको हम पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये हमारा क्यू हो जाएगा, ठीक है। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इक्वल्स टू वन, और हमें पता है कि टू पी क्यू क्या है, ये हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल के लिए होता है, दैट मीन्स ये आपका किसकी फ्रीक्वेंसी है, बी एंड बी की, इस जीनोटाइप के लोगों की जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो टू मल्टीप्लाई पी दैट इज 0.19 इंटू 0.81, सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो कैलकुलेटर का मैं यूज कर रहा हूँ, 2 × 0.19 × 0.81 इज इक्वल टू 0.3078 आ रहा है यहाँ से आंसर, ठीक है। और तो ये आपका यहाँ से फ्रैक्शन आ गया, बट आंसर देख सकते हैं परसेंटेज में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सिंपली मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 30.78%। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन क्लोज है इसके, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसके क्लोज है, दैट इज 31%, जो कि इसका राउंड ऑफ करके आपको मिल जाएगा, क्लियर। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2010, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 200 इंडिविजुअल विच इज एट इक्विलिब्रियम, हार्ड विंबर इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ऑफ द अलील अंडर स्टडी इज 0.11, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, और ज्यादा उसी कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है, यहाँ पर 200 इंडिविजुअल से कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, सिंपली यहाँ पर बताया गया कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ऑफ द अलील, किसी एक अलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.11 है, तो अगर ये जो 0.11 है, अगर हम इसको रिप्रेजेंट कंसीडर कर लें कि P की फ्रीक्वेंसी है, आप किसी को भी P या Q किसी को भी मान सकते हैं, तो Q की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैंने अभी आपको बताया ये जो सम टोटल होता है फ्रीक्वेंसी का वो 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी पहले खुद से ट्राई करें, ठीक है। सो 1 में से 0.11 माइनस करेंगे तो आपका आना चाहिए 0.89 आना चाहिए, 0.89, ओके, क्योंकि 1 माइनस 0.11 इज 0.89, तो ये आपको यहाँ से दूसरे की भी फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब उसके बाद अगेन हार्ड-वेनबर्ग इक्वेशन जो है दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इक्वल्स टू 1, इसमें 2pq जो है वो हेटेरोजाइगस को रिप्रेजेंट करती है, ये आपको पता है क्योंकि इसमें एक p है और एक q है, तो ऑब्वियसली बात है हेटेरोजाइगस है, ये दोनों सेम है, तो दैट मींस p into p एंड q into q है ये, ठीक है। सो दैट मींस ये क्या है, होमोजाइगस को रिप्रेजेंट करें। सो 2 into p, p की वैल्यू हमने फाइंड आउट 0.11 है इसकी फ्रीक्वेंसी, और q एलील जो है इसकी 0.89, और अगेन मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं यहां पर, सो 2 into 0.11 into 0.89 एंड द आंसर इज 0.1958, तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली जो ऑप्शंस में आंसर है उससे मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये 200 से कंफ्यूज करने के लिए दिया था, मेन आपको देखना है कि क्या एलील की फ्रीक्वेंसी है क्या जीरो टाइप की फ्रीक्वेंसी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डीबीटी बैट 2017, इन अ रैंडमली ब्रीडिंग पॉपुलेशन एन ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन अफेक्ट वन न्यू बॉर्न इन 10,000, द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर्स विल बी नियरली, ये आपके सेकंड टाइप के क्वेश्चन है जो कि डीबीटी एग्जाम में पूछे आते हैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल से, और इस टाइप के काफी क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि पहले आप इसे खुद से अटेम्प्ट करें ताकि आपको पता चले कि आपको इसे सॉल्व करने में कहां पर इशू आ रहा है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशंस वो होती हैं जिसमें एक्सप्रेशन इनका तभी पॉसिबल है जब दोनों कॉपी जो है रील की वो क्या हो, रेसेसिव हो, क्योंकि अगर एक भी डोमिनेंट कॉपी आ जाएगी तो वो इसके को एक्सप्रेस नहीं होने देगी इस रेसेसिव एलील को, ठीक है। तो ये आपकी ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन में जो दोनों एलील की कॉपी है वो दोनों ही रेसेसिव एलील की होती है, ठीक है, और ये तभी एक्सप्रेस होता है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो न्यू बॉर्न है इसकी जो जिसका जो जीनोटाइप है वो क्या है, स्मॉल ए एंड स्मॉल ए, क्लियर। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर्स, कैरियर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है। अब कैरियर्स कौन होंगे, कैरियर्स वो होते हैं जो कि खुद में खुद अफेक्ट नहीं होते उस कंडीशन से, बट उसको उसकी जो जीन है उसकी जो अलील है उसको कैरी करते हैं, ठीक है। तो उनके चिल्ड्रन में वो अगर कॉम्बिनेशन बनता है, इस टाइप का कॉम्बिनेशन बनता है, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कैरियर मतलब कैसे होंगे, कैरियर होंगे आपके हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल होंगे कैरियर्स जिसमें एक कॉपी इनके पास डोमिनेंट की होगी और एक रेसेसिव की होगी, तो जिससे कि ये जो रेसेसिव एलील है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी क्योंकि डोमिनेंट कॉपी ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपके कैरियर्स होते हैं, और एक होते हैं अनअफेक्टेड, ये आपके ए, क्योंकि इसमें आपका कॉपी है ही नहीं एक भी रेसेसिव एलील की, तो ये अफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है हेटेरोजाइगस के लिए, और हेटेरोजाइगस का आपको पता है ये होता है 2pq, इसके लिए आपको p की और q इन दोनों की एलीलिक फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, ठीक है, तो आप इसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखते हैं आप इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर इन्होंने मेंशन किया ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन से अफेक्ट है ये न्यू बॉर्न, तो इसका जीनोटाइप हमें पता चल गया ए, और ये आउट ऑफ 10,000 पीपल, ओके, तो 10,000 में से एक पर्सन अफेक्टेड है, तो ये जो एक है इसका जीनोटाइप ए है, और बाकी के जो जीनोटाइप वाले लोग हैं ए ए प्लस ए बी सॉरी ए स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए स्मॉल ए, ये जो टोटल इस टाइप के जो जीनोटाइप वाले जितने भी लोग हैं वो कितने हैं, 10,000 है, बट इसमें से एक ही पर्सन ऐसा है जिसके पास ये जीनोटाइप है, तो दैट मीन्स अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी इस जीनोटाइप वाले लोगों की, ठीक है, ए ए जीनोटाइप वाले लोगों की फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ से मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ए जीनोटाइप, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू 10^-4, 1/10,000 इज 10^-4। नाउ हमें पता है कि हम ये जो इनके जो जीनोटाइप है ए जीनोटाइप, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू स्क्वायर से, आई होप इट इज क्लियर। तो दैट मींस ये 10^-4 क्या है, ये क्यू स्क्वायर के इक्वल हो गया,
और अगर हमें पी और क्यू इनकी एलईडी फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अगर हमें क्यू की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू 10^-4 है, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, दोनों साइड अंडर रूट कर दीजिए, तो अंडर रूट करने से क्या होगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, आपको पता होगा, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से आपके क्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो 10^-4 का अंडर रूट हमें करना होगा, तो अंडर रूट करेंगे तो यहाँ से आएगा 10^-2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.01। तो ये क्यू की एलईडी फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई है। पी की कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पी की फ्रीक्वेंसी निकालना और भी इजी है, क्योंकि आपको पता है सम टोटल क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है, तो 1-0.01 दैट विल बी इक्वल टू 0.99, तो 0.99 जो आपकी पी की हो जाएगी और क्यू की आ गई आपकी 0.01। तो अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 2 × 0.01 × 0.99 और यहाँ से आपका जो सम टोटल आएगा और 2 × यहाँ से आपका आंसर आएगा 2 × 0.01 × 0.99 = 0.0198। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया वैल्यू 0.0198, बट यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है पी बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है, तो इसको कैसे लाएंगे पी बाई क्यू की फॉर्म में, यहाँ से डेसिमल हटा देंगे तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है। अभी जो आपके पास 10,000 आ गया है इसमें आपको इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, तो ये 198 है। देखिए ज्यादा जो डीबीटी में क्वेश्चन होता है ना वो राउंडेड ऑफ करके उनका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है, तो अगर इसे हम राउंड ऑफ कर लें 198 को तो ये 200 के इक्वल आ जाएगा, 200/10,000, क्योंकि हमेशा एवरेज आंसर वो पूछते हैं आप लोगों से, ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और 2 को इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50, तो ये आंसर आ रहा है 1/50, यानी कि 50 लोगों में से एक पर्सन जो है वो क्या होगा, हेटरोजाइगस होगा। आई होप इट इज क्लियर, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जो भी आप देखेंगे इस टाइप के जो क्वेश्चन है जो डीबीटी में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, वहां पर राउंड ऑफ करके आंसर आपसे पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया, इन अ सर्टेन ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया द प्रेवलेंस ऑफ सिकल सेल डिजीज एंड ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, अगेन ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, इज 1/100, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया कि 1% जो है आउट ऑफ 100 में से उसको क्या है, सिकल सेल डिजीज है, दैट मींस उसके वो क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन से वहां पर अफेक्टेड है, ठीक है। तो दैट मींस इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा इस पर्सन का, ये जो 1% है स्मॉल ए स्मॉल ए, दैट इज ये किसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, क्यू स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो 1/100 अभी मैंने आपको बताया 1 out of 100, ये किसके जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी है, ये आपके ए ए जो है इसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा एंड दैट इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.01, इससे हम क्यू की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे दोनों साइड अंडर रूट करके, ठीक है। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1 के इक्वल आ जाएगी, अगर ये 0.1 है तो हमें पता है जो सम टोटल होता है फ्रैक्शन का वो 1 होता है, तो 1 − 0.1 इज इक्वल टू 0.9, तो यहाँ से हमारे पास पी की भी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब हम देखना क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला, बेस्ड ऑन दिस वैल्यू व्हाट प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वुड बी हेटरोजाइगस कैरियर, हेटरोजाइगस कैरियर कौन होंगे, आपको मैंने बताया था अभी कि कैपिटल है स्मॉल है, ये कैरियर्स हैं क्योंकि इनके पास एक डोमिनेंट कॉपी है जो कि रेसेसिव के जो कंडीशन उसको एक्सप्रेस नहीं होने देगी, ठीक है। तो इसकी और इसके जो जीनोटाइप का जो फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज 2PQ, जहां पर पी एंड क्यू इनकी पी और क्यू की रिस्पेक्टिव एलीलिक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ठीक है, एज पर हार्डी विनबर्ग इक्वेशन। ओके, सो 2PQ, तो 2 × P की वैल्यू कितनी है 0.9 और Q की वैल्यू है 0.1, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 × 9 = 18 और 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.18, तो ये आपका आ गया, ठीक है। बट यहाँ पर किसमें पूछा गया, परसेंटेज में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, सो दैट विल बी इक्वल टू 18%, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम, इसे आप अगेन खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ रेसेसिव कंडीशन दैट अफेक्ट अबाउट 1 in 2500 बेबीज इन अ कॉकेशियन पॉपुलेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटरोजाइगोट और कैरियर्स ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो क्यू स्क्वायर की जो मतलब जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी इक्वल टू 1/2500 और यहाँ पर इसका अंडर रूट कर लेंगे दोनों साइड, तो यहाँ से हमें क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, क्यू विल बी इक्वल टू 1/50 और 1/50 कितना होगा, 1/50 इज इक्वल टू 0.02, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 0.02। तो पी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है टोटल जो होता है वो 1 के इक्वल हो जाता है, तो 1 − 0.02 विल बी इक्वल टू 0.98 और इसके बाद हमें हाइटोजाइगस की फाइंड आउट करनी है, यानी कि 2PQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 × 0.02 × 0.98 और अगर हम कैलसी से इसे कैलकुलेट करें तो ये आपका आएगा 0.98 = 0.0392, ठीक है। अब ये वैल्यू आपके पास आ गई, अगेन यहाँ पर जो पूछा गया है पी बाई क्यू की फॉर्म में पूछा गया है, तो इसके लिए हमें डेसिमल हटाना पड़ेगा, नीचे आ जाएगा 10,000 और मैंने आपको बताया था कि राउंड ऑफ वैल्यू ले लीजिएगा, तो राउंड ऑफ इसका कितना हो जाएगा 400, तो दैट मीन्स 400/10,000 हमें फाइंड आउट करना है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी और इसके बाद 4 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो 1/25 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 25 × 4 = 100, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर बताया गया होमोजाइगस एक्सप्रेशन ऑफ अ रेसेसिव ऑटोसोमल जीन, तो होमोजाइगस मतलब दोनों सेम कॉपी हैं और रेसेसिव जीन की हैं, तो रेसेसिव एलील की हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी ए की बात ही हो रही है और ये कितना है 1 in 1 million, तो 1 million कितना होता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड देन आता है मिलियन, तो ये आपके पास है, तो 10 की पावर कितना हो गया, 10 की पावर 6 हो गया, तो 10 1 by
10 की पावर 6 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट कर देंगे तो 1 बाय 10 की पावर 3 हो जाएगा और दैट विल बी इक्वल टू 0.001। तो ये आपकी क्यू की वैल्यू है। तो पी की वैल्यू कैसे आएगी, सिंपली है 1 में से माइनस कर देंगे तो 1 में से माइनस करेंगे तो 0.998 यहां से आ जाएगा। ठीक है, क्या पूछा गया है, अज्यूमिंग हार्ट इवन बाय इक्विलिब्रियम फॉर दिस ट्रेड व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ हेटरोजाइगोट हेटरोजाइगस कैरियर, तो सिंपली 2PQ, क्योंकि हमें पता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1 एज पर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो ये आपका डोमिनेंट के लिए होता है, ठीक है, होमोजाइगस और डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रेसेसिव और ये हेटरोजाइगस के लिए होता है। ठीक है, तो हेटरोजाइगस की जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी विल बी 2 इंटू पी 0.998 इंटू 0.001, सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, सो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 0.998 इंटू 0.001 दैट विल बी इक्वल टू 1.996 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है। ठीक है, तो अच्छा इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू लाने में थोड़ा सा यहाँ पर इशू हमें फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसको ऐसे एज इट इज रहने दीजिए, क्यू की वैल्यू क्या है 1 बाई 10 की पावर 3, तो पी की वैल्यू अगर हम इसी टर्म्स में फाइंड आउट करें तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 999 डिवाइडेड बाई 1000। ओके, सो ये आ जाएगी पी की, तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं 2 इंटू पी की वैल्यू हो जाएगी 999 डिवाइडेड बाई 1000, ओके, इंटू 1 बाई 1000, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, सो इसे अगेन क्या है, इसको अगर हमें ऑन एन एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको अप्रोक्सीमेट क्या ले लेते हैं, 1000 ले लेते हैं, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और 2 बाई 1000, तो 2 बाई 10 500, तो दैट मीन्स 1 बाई 500 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई थिंक ये करेक्ट फॉर्मेट रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इसमें कैलकुलेशन कम है। ठीक है, ये डेसिमल वगैरह की कैलकुलेशन आप बच जाएंगे, सिंपली आप क्यू को एज इट इज रहने दीजिए 1 बाई 1000 और पी की वैल्यू जो है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं 1 में से 1 बाई 1000 माइनस करके एलसीएम ले लीजिए, 1000 आएगा, 1000 माइनस 1 विल बी 999 और ये 1 के इक्वल ही है वैसे। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है 1 के इक्वल ही हम इसको रख सकते हैं, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 बाई 1000 ये आपको करना था यहाँ पर, तो ये आपका आ गया 1 बाई 500। ठीक है, क्योंकि ऑन एन एवरेज आंसर आपसे पूछा जाता है, बट गेट एग्जाम में जो है एकदम एक्यूरेट आंसर आपसे पूछा जाता है, तो वहां पर कैलकुलेशन आपको परफेक्टली करनी होगी। ठीक है, then next question is if an X linked recessive disorder is in Hardy-Weinberg equilibrium, the incidence in male is 1 in 100, then the expected incidence of affected homozygous female would be, तो ये थोड़ा सा different question है but solution काफी जो है वो similar है जो हमने पहले discuss किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला X linked recessive disorder, यानी कि अगर X की दोनों copy recessive है तो उस case में expression होगा। ठीक है, बट मेल के अंदर तो एक ही कॉपी होती है एक्स की, एक्स और वाई में से एक ही कॉपी होती है सिर्फ एक्स की, तो दैट मींस अगर एक भी अफेक्टेड कॉपी अगर मेल के अंदर होगी एक्स की, तो वो एक्सप्रेशन मतलब वो कंडीशन से वो डिसऑर्डर उसमें होगा, एक्सप्रेस होगा वो डिसऑर्डर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है 1 in 100 बोला गया, तो देखिए क्या है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल ये कंसिडर करता है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एलिलिक फ्रीक्वेंसी सबके लिए सेम है। ठीक है, जीन पूल में फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम होगा एलिलिक फ्रीक्वेंसी। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि 1 मेल अफेक्टेड है आउट ऑफ 100, तो एक मेल के अंदर एक्स की कितनी कॉपी होंगी, एक ही कॉपी होगी। ठीक है, तो यानी कि एक कॉपी है इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ कॉपीज 100 लोगों के अंदर कितनी होंगी एक्स की, 100 ही होंगी, क्यों, क्योंकि एक मेल के अंदर सिर्फ एक एक्स की कॉपी है, तो 100 मेल के अंदर भी सिर्फ 100 कॉपीज ही होंगी। तो ये जो 1 बाई 100 है ये किसकी फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी जो रेसेसिव है, यानी कि एक ही फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, यहाँ पे हमने देखा ये क्या है नंबर ऑफ अलील्स जो अफेक्टेड है आउट ऑफ 100 टोटल alleles, okay, so that is 1 by 100 and that is equals to 0.01। I hope ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही कॉपी होती है मेल के अंदर एक्स की, तो ये अब जीनोटिपिक नहीं है, ये आपका एलिलिक फ्रिक्वेंसी हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे इससे, क्यों, क्योंकि जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी के लिए दोनों कॉपी एक्स एक्स की होनी चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर एक ही आपका जो है कॉपी है एक्स की, और ये सिर्फ एक्स पे ही जो मतलब जो इसका ये जो डिसऑर्डर है ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है, यानी कि एक्स की कॉपी से ही है आपका एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, सो दैट मींस यहाँ पर आप इस जो है जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं अलीलिक फ्रीक्वेंसी, 1 बाई 100 जो है वो अलीलिक फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बट जो प्रीवियस केसेस थे वहां पर जो है दोनों कॉपी थी ए ए, तो वो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा था जो रेशो था 1 बाई 1000 एंड ए। ठीक है, तो ये बस यहाँ पर एक इतना ही डिफरेंस है, तो अब यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट आ गया है ए की फ्रीक्वेंसी, तो हम कैपिटल ए की भी निकाल सकते हैं, कैपिटल ए की क्या होगी 1 माइनस 0.01, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.98, तो ये हमने फाइंड आउट कर ली कैपिटल ए, या फिर आप कह सकते हो जो डोमिनेंट एलील है उसकी हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। अब हमसे पूछा गया होमोजाइगस फीमेल, होमो मतलब दोनों में सेम कॉपी है होमोजाइगस फीमेल, वो भी अफेक्टेड, अब क्योंकि एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है तो ये सिर्फ मतलब उन्हीं पर्सन में होगा जिसमें दोनों कॉपी जो है एक्स की वो क्या है अफेक्टेड हो। ठीक है, यानी कि रेसेसिव हो, तो होमोजाइगस एक्स ए एक्स है, तो ये क्या है क्यू स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ए स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी
यानी कि ए आई मीन ए ए ओके सो दैट विल बी इक्वल टू 0.01 का होल स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 10 की पावर -4 ओके इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर अगेन इन्होंने पूछा है पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में पूछा है तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4 यानी कि 10,000। ये -4 है नीचे आएगा तो +4 हो जाएगा ठीक है। सो 1% इन 10,000 दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है, कुछ नहीं करना है। जो मेल में जो आपको एक्स की कॉपी दी है वो एक्चुअली ये जो 1/100 का जो आप इन्होंने बताया रेशियो दिया है ये एक्चुअली आपका फ्रीक्वेंसी है, किसकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी है, बट प्रीवियस क्वेश्चन में वो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी थी। उसके बाद उन्होंने पूछा होमोजाइगस फीमेल, होमोजाइगस यानी कि दोनों की में स्मॉल वाली कॉपी है, रेसेसिव एलील वाली कॉपी है ठीक है, और ये भी रेसेसिव के लिए हमने फाइंड आउट किया था, तो ये तो हमें फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं थी, इससे हमारा आंसर आ जाता ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो और बाकी हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से हमने देखा ये क्या है क्यू की वैल्यू क्या है 1/100 तो 1/100 का स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पॉपुलेशन दैट इज इन इक्विलिब्रियम द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल शोइंग द डोमिनेंट ट्रेट एट अ गिवन लोकस हैविंग टू एलील इज 84%। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेसेसिव एलील इन द पॉपुलेशन इज, तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो प्रोपोर्शन है इंडिविजुअल्स का जो कि डोमिनेंट ट्रेट शो कर रहे हैं ठीक है, तो एज पर हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। इसमें जो पी स्क्वायर है ये भी डोमिनेंट एक्सप्रेशन शो करता है और जो 2PQ है ये हेटरोजाइगस है, बट इसमें भी एक डोमिनेंट एलील की कॉपी है जो कि रेसेसिव एलील के एक्सप्रेशन को डोमिनेट करती है ठीक है, तो इसलिए ये दोनों मिलकर के इनका जो सम टोटल है दैट इज 84% क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट एक्सप्रेशन शो करते हैं क्लियर। और 84% को अगर हम फ्रैक्शन में कर लेंगे तो दैट विल बी 0.84। नाउ क्वेश्चन में हमें बताना है कि रेसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके लिए हमें फाइंड आउट करना होगा कि ये जो आपका क्यू स्क्वायर है इसकी वैल्यू पहले हमें फाइंड आउट करनी होगी। क्यू स्क्वायर की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है जो हमारे जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी है फॉर होमोजाइगस रेसेसिव ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी, तो सिंपली क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1 - पी स्क्वायर प्लस 2PQ क्योंकि सम टोटल जो होता है दैट इज 1। सो 1 - 0.84 will be equals to how much 0.16 and that is the value of q square। और अगर हमें recessive allele के लिए find out करना है तो हम दोनों side under root ले लेंगे, so that will be q equals to 0.4 okay, that means option number is the right answer। The next question, assume a population in Hardy-Weinberg equilibrium for alleles at an autosomal recessive disease locus। So again autosomal recessive disease है ठीक है, the फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेंट अलील क्यू इज 1/15, तो फ्रीक्वेंसी पहले से प्रोवाइड की आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्यू इज 1/50। द फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन रिप्रेजेंटिंग कैरियर ऑफ द डिजीज इज क्लोजेस्ट टू, ये हमें फाइंड आउट करना है, किसके लिए पूछना है कैरियर्स के लिए, कैरियर्स कौन होंगे 2PQ। सो अगर क्यू की वैल्यू है 1/50 तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू हो जाएगी 1 - 1/50, सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 49/50। और आपको पता है अप्रोक्सीमेटली एवरेज पर चलता है आपका डीबीटी में जो आंसर है, तो इसको आप 50 ही कंसिडर कर सकते हैं, तो 50/50 1 हो जाएगा, तो इसको आप 1 ही ले लीजिए और क्यू को एज इट इज रहने दीजिए, तो 2 × V1 × 1/50 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 25, तो 1/25, तो 1/25 इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बट अगर गेट एग्जाम में होता ना तो डेसिमल में आपसे आंसर पूछ लेते हैं ठीक है, बट ये डीबीटी है तो यहाँ पर इतना नहीं करते क्योंकि वहां पर कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं किया जाता था, तो ऑन एन एवरेज आंसर आपसे हमेशा पूछा जाता है डीबीटी एग्जाम में क्योंकि कैलकुलेटर नहीं दिया जाता था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डीबीटी बाय 2015 डैश इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कंट्रोल बाय रेसेसिव ऑटोसोमल एलील ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है रेसेसिव ऑटोसोमल डिजीज एलील है, तो दैट मींस कि जब रेसेसिव होंगे दोनों कॉपी प्रेजेंट होगी, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन होगी तभी एक्सप्रेस करेगा ठीक है। इन एन एथलिक पॉपुलेशन इज अबाउट 1 in million पर्सन, तो अगेन 1 by 10 की पावर 6, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ हेटरोजाइगस, तो बहुत इजी क्वेश्चन है 10 की पावर 6, तो ये किसका है, ये आपका है इस डिजीज का, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस डिजीज इन एथनिक पॉपुलेशन, तो ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका क्यू स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें किसकी फाइंड आउट करनी है हेटरोजाइगस कैरियर की, तो क्यू इसका अंडर रूट कर देंगे तो दैट विल बी ये आ जाएगा आपका 1/1000 ओके, देन पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 - 1/1000 और ये आपको पता है अगेन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 999/1000 और आपको पता है डीबीटी में एवरेज ऑन एन एवरेज आंसर पूछा जाता है, तो इसको ये अगेन आप 1000 के इक्वल कर देंगे, 1000 कैंसिल, ये 1 हो जाएगा, तो सिंपली आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 2PQ क्योंकि हेटरोजाइगस पूछा है, तो 2 × 1 × 1/1000 तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10 तो 500, तो दैट विल बी 1/500 इज द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पॉपुलेशन व्हिच इज इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील फॉर अ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट इज 0.40 ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल वुड बी एक्सपेक्टेड टू शो डोमिनेंट ट्रेट इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील यानी कि आपको क्यू की वैल्यू दी है 0.40 और आपसे पूछा गया है कि परसेंटेज क्या होगा इंडिविजुअल का जो डोमिनेंट ट्रेट शो करेंगे, तो डोमिनेंट ट्रेट शो करने वाले अगेन मैंने आपको बताया था कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ
इक्वल टू वन। तो इसमें पी स्क्वायर और टू पी क्यू ये दोनों क्या है, डोमिनेंट ट्रेड शो करते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या आएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इक्वल टू वन माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी तो वन में से माइनस कर देंगे तो ये डोमिनेंट ट्रेड करने वाले लोग हैं वो हमें पता चल जाएंगे। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.4 का स्क्वायर दैट विल बी 0.16। ओके, सो 1 माइनस 0.16 एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0.84। सो 0.84 इज द आंसर, बट यहां पर परसेंटेज में पूछा है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, सो दैट विल बी 84%। The next question is from DBT 2018 in a given population, 1 out of 400 individual has cancer caused by recessive allele. That means ये आपका A को represent कर रहा है, A के genotype को represent कर रहा है, ठीक है? Assuming the population is in hard even equilibrium, what is the expected population of individual who carry P allele but do not develop cancer? ठीक है? So कैसे find out करेंगे? तो यहाँ से A क्या है? That means ये Q square का equal है, तो 1 by 400, then Q की value find out करेंगे, तो that will be 1 by 20, okay? और P की value find out करेंगे, तो देखिए, ये 1 जो है अलील वो Q का है आउट ऑफ 20 अलील, तो बाकी के जो 19 अलील ना वो किसके होंगे, P के होंगे, तो दैट मींस 19 बाई 20। क्लियर, आपने पढ़ा होगा ना इस तरीके से। तो ये 1, तो ये क्या 1 बाई 4, तो बाकी के 3 बाई 4 क्या अनफेक्टेड है। तो सिमिलरली ये 1 किसका, ये Q का है, तो किस में से आउट ऑफ 20, तो बाकी के जो 19 है वो किसके हैं, P के हैं। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 19 बाई 20। नाउ अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल हु कैरीज पी अलील बट डू नॉट डेवलप कैंसर, दैट मींस ये हेटेरोजाइगस कंडीशन की बात कर रहा है, 2P इनटू Q। ओके, तो 2 इनटू P इज 19 बाई 20 एंड Q इज 1 बाई 20। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 400 और 92 से 38, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए, इससे पहले हम ऑन एन एवरेज लेकर के चल रहे थे, तो इसको हम 1 कर ले रहे थे कंसीडर, बट ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना डिटेल तक आपसे आंसर पूछा। अगर आप इसे करते तो यहाँ से आंसर रेशो आता 1 बाई 10। ठीक है, बट इस तरीके का ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमें कैलकुलेशन प्रॉपरली आगे करनी होगी। ठीक है, सो दिस इज इट। तो ये क्वेश्चन थे आपके हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आएगा हार्डी विनबर प्रिंसिपल से, थ्योरी से रिलेटेड या न्यूमेरिकल से रिलेटेड, तो आई होप ये आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।